दोस्तों, अगर समय का ध्यान रखा जाए और सही जानकारी हो तो हार्ट अटैक के मरीजों की जिंदगी बचाना आसान हो जाता है। हार्ट अटैक के 90 मिनट के अंदर थेबोलाइसिस तकनीक की मदद से दवाएं देकर हार्ट की नलियों की रुकावट को खोल दिया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक आने के बाद के 90 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस दौरान किया गया उपचार ही मरीज को जीवन दे सकता है। इसीलिए हार्ट अटैक में यह समय गोल्डन टाइम कहा जाता है। अटैक आने के तुरंत बाद जीभ के नीचे एस्पिरिन की एक गोली रखने से भी जोखिम काफी कम हो सकता है। इसके साथ साथ समय के साथ हार्ट अटैक के लक्षणों में आ रहे अंतर को समझना भी बेहद जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, सामान्य लोगों से उलट ज्यादातर डायबिटिक लोगों में हार्ट अटैक आने पर सीने में दर्द होने की बजाय सांस फूलने, घबराहट, छाती में भारीपन, चक्कर आना तथा जबड़े में जकड़न जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ध्यान रखें कि रोगी नहीं बता सकता कि उसे ये तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो जाने पर ही उसे पता चलता है। उसकी छाती में असहनीय पीड़ा होती है और उसकी नाड़ी की गति धीमी व कमजोर हो जाती है। चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, सांस फूलने लगती है, वो ठंडे पसीने आने लगते हैं, वो निढाल और बेबस सा हो जाता है। तो अगर रोगी को ये लक्षण हो तो शोर ना करें, बल्कि सचेत वो सजग बने रहें। डॉक्टर को शीघ्र बुलाएं या रोगी को सबसे पास के अस्पताल ले जाएं। ध्यान रहे, इस दौरान जो करें संयमित होकर करें। रोगी के कपड़े ढीले कर दें। यदि उसकी रीढ़ की हड्डी या छाती में तेज दर्द हो रहा हो तो गर्म या ठंडे पानी का स्पंज करें। गर्म पानी में भिगोकर और फिर निचोड़कर पट्टी को हृदय के आसपास की जगह पर रखें, जब तक रोगी की धड़कन सामान्य ना हो जाए या आप डॉक्टर के पास ना पहुंच जाएं। रोगी का उपचार जारी रखें। रोगी के आसपास शांति बनाए रखें, तेज रोशनी और शोर शराबा ना करें और बार बार पट्टी उठाकर त्वचा को साफ करते रहें। हो सके तो रास्ते में डॉक्टर से फोन पर संपर्क बनाए रखें और उनके निर्देशों का पालन करते रहें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।